अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु हाट मेले को लेकर पुष्कर एसडीएम कार्यालय में एक आवश्यक बैठक व्यवस्थाओं को लेकर रखी गई। यह बैठक पुष्कर के एसडीएम सुखराम पिंडेल की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर, अजमेर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी, प्रशिक्षु आईपीएस सुमित मेहरदा ने भाग लिया। पुष्कर के सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पारासर, जगदीश कुड़िया, ताराचंद गहलोत सहित लोगों ने सुझाव दिए और बताया कि किस प्रकार से पुष्कर मेले की व्यवस्था होनी चाहिए। पुष्कर नगरपालिका के पार्षद रवि बाबा ने काफ़ी नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा कि जितनी दुर्दशा उन्होंने इन गत 4-5 सालों में पुष्कर की देखी है, उतनी दुर्दशा कभी भी जीवन काल में नहीं देखी। सफाई व्यवस्था, सीवरेज, टूटी फूटी सड़कों को लेकर काफ़ी नाराज़गी प्रकट की। देखिए एक खबर हमारे न्यूज़ चैनल पर। हमारे आज के दिन सारी गंदगियाँ बाहर डाला के लोग बाहर सफाई करके बाहर डाल रहे हैं, कोई निस्तारण नहीं हो रहा। पहली चीज ये सीवरेज का पानी अनवरत चलता जा रहा है, मेरा सर पे आ गया। 4 दिन के बाद में ये सब चीजें कह रहे हैं, 4 दिन बाद में, 3 दिन बाद में इम्प्लीमेंट किया। और कहने का मतलब गायों के लिए मैंने बोल दिया, लाइटों का, मैं बिजली समिति का चेयरमैन हूँ, मैंने लाइटों के लिए बोला। जब भी ठेकेदार को बोलता हूँ बोलता है टेंडर नहीं निकला। और ये डिपार्टमेंटल जो कॉन्ट्रोवर्सी है ना, एडीए बोलती है पालिका करेगी, पालिका बोलते हैं एसडीएम साहब करेंगे, एसडीएम साहब बोलते हैं ये करेंगे, ये तो चीज़ें चल रही है ना सर। अब जैसे परिक्रमा मार्ग में लाइटें बहुत टाइम से बंद पड़ी है, इनको जब बोलते हैं एडीए वाले के अंडर में है, तो ये पुष्कर का मामला तो या तो आपके अंडर में दे लो या एडीए वाले को बोलो आप करके दो। मतलब एडीए वाले यहाँ डाल देते हैं, यहाँ वाले यहाँ डाल देते हैं, लाइटें तो चालू ही नहीं होती है क्या? एंट्री पॉइंट पड़ा है वो अंधेरे में पड़ा है क्या? गंदगी पड़ी है, सड़कें टूटी हुई पड़ी है, वो तो चलो अभी 5-10 दिन से ठीक हो गई है क्या? लेकिन जो अभी एसडीएम कार्यालय में आयोजित बैठक में देखिए किस व्यक्ति ने क्या कहा। हमारे न्यूज़ चैनल पर सभी की लाइव वीडियो। गाड़ी को मेड़ा ग्राउंड पर खड़ी करते थे, पैदल आओगे तक को कह रखा आप पैदल जाओगे, घाट तक उसी पर गाड़ी भी ले जाओगे आप।
गाड़ी से जैसे बोलते हैं लोग, तो वो है कि ये गाड़ी वीआईपी ऊपर रखा हुआ तो बड़े आदमी नहीं बनना अपने अंदर में अपने को। आज लगानी है इसको, लगना चाहिए कि पुष्कर इतना अच्छा शहर है। पशुओं का क्रय विक्रय होगा, इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक सांस्कृतिक या सामाजिक गतिविधियां आयोजित नहीं होगी, नहीं किसी प्रकार का इसका जो उद्घाटन और समापन समारोह हर वर्ष होता है वो इस बार नहीं होगा। इस मेले में किसी भी प्रकार के चाहे वो झूले हैं, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, चाहे वो सर्कस का प्रोग्राम है, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी इस बार नहीं होगी। तो आप मीडिया बंधु भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें ताकि लोगों को ये मैसेज आए कि लोग इसमें कोविड गाइडलाइन की पूर्णतया पालना करें। धन्यवाद। भी होता है, लोग श्रद्धालु आते हैं, उनको कोई समस्या नहीं हो, सब पूरी व्यवस्थाएं की जाए इसके बारे में चर्चा की गई विस्तृत। और ये किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान की सरकार ने पशु पुष्कर पशु हाट मेले की जो चालू रखने के लिए अनुमति दी उसके लिए आभार व्यक्त किया। और साथ साथ व्यवस्थाओं को, हम पशु हाट मेले की व्यवस्थाओं हम कैसे सुचारू कर सकें और साथ साथ धार्मिक श्रद्धालु जो आएंगे उनकी व्यवस्थाएँ कैसे की जाए, चाहे नगर पालिका के व्यवस्था, चाहे पुलिस प्रशासन की तरफ से, चाहे उपखंड अधिकारी जी कलेक्टर साहब के व्यवस्था कैसे की जाए, उन व्यवस्थाओं को कैसे हम आने वाले श्रद्धालुओं को और आने वाले पशुपालकों को हम कैसे अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं दे पाए, इसके बाबत ये मीटिंग रखी गई थी। के लिए ट्रैफिक के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, रहने आने जाने के लिए इन हर एक कई चौकियां बनाई हमने, 3 पुलिस स्टेशन स्थापित करेंगे, कंट्रोल रूम बनाएंगे, पूछताछ केंद्र बनाएंगे और जगह 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 पर हम बैरिकेडिंग बना करके, पुलिस चेक बना करके, पुलिस की तरफ से जो हेल्प हो सकेगी, जो मदद हो सकेगी, उसके लिए हम बिल्कुल निरंतर कटिबद्ध रहेंगे। जी कितने पुलिसकर्मी शामिल? पुलिसकर्मी अभी प्रस्तावित है, हमने वैसे डिमांड भेजी है 2000 की डिमांड भेजी है, जो विगत मेलों में जो डिमांड थी वो करीबन 2000 करीबन थी, जितने मिल सकते हैं, ये उतना मेला नहीं हो पाएगा, कई गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तहत पालना करवानी है, उससे 2000 तो नहीं हो पाएगी संख्या, लेकिन कम होगी, जो भी होगी मेले का सफलतापूर्वक संचालन हम करेंगे। सर, बच्चे के रूप में लग के घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे के रूप में, उनको किस प्रकार से आप बच्चे किस टाइप के बच्चे, कौन से बच्चे? जहाँ तक देखा जा रहा है बाजारों में कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं पर्यटकों के पीछे पड़ रहे हैं, पर्यटन के लिए, पर्यटन वाले लपके के रूप में काम कर रहे हैं या कोई चोरी के संदर्भ में? ये विषय है, ये सीआई साहब खड़े हैं, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, यदि ऐसा है और यदि लपका से संबंधित है तो निश्चित रूप से देखो, नहीं तो अभी होने देंगे, नहीं मेले के दौरान होने देंगे।